जननायक जनता पार्टी के इंद्री हल्का अध्यक्ष रहे सुमेर चंद कांबोज ने शनिवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में राज्य मंत्री करणदेव कांबोज की मौजूदगी में सुमेर चंद कांबोज भाजपा में शामिल हो गए हैं। जसपा के प्रधान सुमेर चंद कांबोज का जोरदार स्वागत कर उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया है। सुमेर चंद कांबोज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जैसे ही राज्य मंत्री करणदेव कांबोज के कार्यालय में पहुंचे तो राज्य मंत्री करणदेव कांबोज ने उनका गेट के बाहर निकल कर जोरदार स्वागत किया। नारेबाजी के बीच सुमेर चंद कांबोज का समारोह स्थल तक लाया गया। राज्य मंत्री करणदेव कांबोज ने कहा कि भाजपा की जनहितैषी नीतियों के चलते भाजपा विरोधी दलों में भगदड़ मच गई है। भाजपा विरोधी दलों के लोग पार्टियां छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इनेलो व भाजपा के कई विधायक भाजपा में शामिल होने की चाहत लेकर संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में काफी संख्या में दूसरे दलों के लोग भाजपा में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा। चुनाव भाजपा व राष्ट्रीय दलों के बीच होगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि देश में सिर्फ दो ही दल होने चाहिए। लोगों को क्षेत्रीय दलों को वोट देने के बजाय राष्ट्रीय दल को ही वोट देनी चाहिए। राज्य मंत्री ने कहा कि सुमेर चंद कांबोज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। उनका भाजपा में पूरा मान सम्मान किया जाएगा। पार्टी उनकी जहां भी जरूरत समझेगी उनको एडजस्ट किया जाएगा। सुमेर चंद कांबोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों तथा राज्य मंत्री करणदेव कांबोज के कामों से प्रभावित होकर मैंने चौटाला परिवार की 37 साल सेवा करने के बाद भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना तथा इंद्री हल्के के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में हर तरह से सहयोग दिया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजयरथ आगे बढ़ता जा रहा है तो आज इस बात से प्रभावित होकर के बहुत से अनेकों दूसरी अन्य पार्टियों के लोग जहां आपस में कहीं पारिवारिक अंतर्कला है, कहीं पार्टी के अंतर्कला है, उन पार्टियों को छोड़ करके अलविदा कह करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इंद्री के अंदर जो जसपा के हल्का के प्रधान भाई सुमेर चंद जी, जिन्होंने कई बार पहले स्थानीय निकायों के चुनाव भी लड़े हैं, जिला परिषद के चुनाव लड़े हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव लड़े हैं और इंडियन नेशनल लोकदल में कई मुद्दों पर उन्होंने काम किया है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए लंबे समय से उन्होंने काम किया है। आज वो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके JJP को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज शामिल विधिवत रूप से आज वो हुए हैं और बड़ी संख्या में उनके साथ जो काम करने वाले जो उनके साथी थे उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। तो मैं उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। उनको जो है ना जो क्योंकि वो एक जिम्मेवार कार्यकर्ता है, उनको कोई ना कोई इस प्रकार की जिम्मेवारी भी दी जाएगी ताकि जो है ना वो पार्टी में बढ़ चढ़ करके काम कर सके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पार्टी। देखिए बहुत लोगों की विधायक जो है ना कई तो विधायक जो है ना शामिल पूरे जो जसपा के और इनेलो के विधायक हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और भी अन्य पार्टियों के विधायक भारतीय जनता पार्टी में निरंतर जो है ना संपर्क कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। बहुत बड़ी संख्या में जो है ना दूसरी पार्टियों में अभी जो है ना भगदड़ मचने वाली है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाली। क्षेत्रीय पार्टियों का जैसे कि एक बार पहले आडवाणी जी ने भी कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने की बजाय किसी राष्ट्रीय पार्टी को विपक्ष पार्टी को दे दें, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को कोई भविष्य नहीं है। निश्चित रूप में जो है ना सब लोग जो है ना राष्ट्रीय पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोग आज आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। देखिए नीचे तो इन लोगों के जो जो पार्टियां हैं उनमें सिर्फ में आपसी प्रतिस्पर्धा है, भारतीय जनता पार्टी तो इनसे बहुत ऊपर है। दो तिहाई में भारतीय जनता पार्टी है, एक तिहाई में सिर्फ ये लोग हैं और वहीं इनमें सिर्फ इस प्रकार की लड़ाई है कि विपक्ष का पद किसको मिले, विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए लोग लड़ाई लड़े। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तक कोई भी इस प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ और न ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट शुरू में कर दिया था कि हम जीरो टॉलरेंस जो है ना उस पर काम करेंगे। और जिस प्रकार से हमने होस्टल डिपार्टमेंटों में जो पिलफरेज थी, जो उसमें भ्रष्टाचार होता था, हमने वो सारे रोक दिए। लगभग 585 सेवाएं तो हमने ऑनलाइन कर दी और जो टीचरों की भर्तियां होती थी, जो बच्चों को स्कूल में एडमिशन होते थे, वो सारे के सारे आधार से लिंक करके और हमने जो है ना उसमें जो बड़ा खेल होता था, भ्रष्टाचार होता था, पेंशन के अंदर जो भ्रष्टाचार होता था, वो सारी की सारी आधार के साथ लिंक करके और बैंक में से वो पेंशन दे करके बड़ा जो है ना खेल था वो हमने खत्म किया हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो है वो करप्शन के बिल्कुल अंगेंस्ट है और करप्शन को बिल्कुल जो है हम खत्म करेंगे। आने वाले समय में जो है ना इस पर और भी ज़्यादा कारगर तरीके से जो है